Good morning students. The topic of our today class is internet terminology. Part two. In the previous session or class or video we already read about internet terminology part first. So this is part second and in this video we are just going to study about remaining parts of internet terminology. ओके सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेब ब्राउजर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट computer दैट retrieves इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब एक कैसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट कंप्यूटर में होता है और इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने का काम करता है वेब से एज एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम मोजीरा फायरफॉक्स सफारी लाइन एक्स आपने अपने नॉर्मल कंप्यूटर पे या मोबाइल पर देखा होगा कि गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है वो उसके हम अंदर हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं इसलिए उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना बोलते हुए हम उसको क्या बोल देंगे वेब ब्राउज़र इसी टाइप से मोजीरा फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोबाइल की बात करें तो यूसी ब्राउजर यूसी मिनी एट्सेट्रा ये सारे हमारे क्या होते हैं वेब ब्राउजर यू आर एल दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ पढ़वे ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन इंटरनेट इंटरनेट के वेब पेज पर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिक एड्रेस दैट मीन्स ऐसा एड्रेस जो कि केवल एक ही एड्रेस होता है उसके अलावा एक से ज़्यादा उसका कोई एड्रेस नहीं होता एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर जहाँ पर सर्च बार होती है अपनी वहाँ पर हम टाइप करते हैं ठीक है तो एच टी टी पी एस क्रॉन और डबल स्लेश ये इतना पार्ट ऑलरेडी लिखा होता है हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम ये क्या हो गया हमारा एक यूनिक एड्रेस जहाँ जिसको हम कहाँ पर टाइप करते हैं इंटरनेट के वेब पेज पर वेब पेज क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है अदर एग्जाम्पल ऑफ यू आर एव टी टी पी एस www.cbsc.nic.in ये दोनों वेबसाइट या दोनों यू की हम बात करें तो दोनों ही यूनिक एड्रेस है दैट मीन्स यदि इस टाइप का एड्रेस किसी और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकता नेक्स्ट ब्लॉग शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग वेब ब्लॉग को शॉर्ट में बोल देते हैं ब्लॉग अ ब्लॉग इज़ अ वेब पेज डेट सर्व्स एज अ पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। ब्लॉग एक वेब पेज होता है जो कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अपनी किसी भी पोस्ट को एक्सेसिबल करता है चलाने के लिए या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी खुद की इंफॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लॉग का अ ब्लॉग इज़ अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी ब्लॉग एक ऐसा सडनली अपडेट होने वाला एक पर्सनल जर्नल है या फिर जिसको हम डायरी बोल सकते हैं अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होता है तो मैं नॉर्मल एक ब्लॉग का एग्जांपल देता हूँ फेसबुक या फिर ट्विटर ओके फेसबुक एज ए ब्लॉग वर्क करता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल है अपना खुद की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और वो वाली इंफॉर्मेशन पब्लिक भी शेयर होती है या फिर वो अपने फ्रेंड्स को प्राइवेट भी सेंड कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो सबसे लास्ट में जो इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वह पब्लिक में सबसे पहले दिखेगी सबसे ऊपर आती है ना या फिर हम ट्विटर की बात करें जैसे ट्विटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करता है पर्सन तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे टॉप पर हमको दिखाई देती है ठीक है तो ये एक तरह की डायरी है क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन वन बाय वन सेव होती रहती है ठीक है नेक्स्ट ब्लॉगर द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर जो ब्लॉग लिखने का काम करता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर ठीक है ब्लॉग इज़ द वन हो रेगुलरी राइट्स एंड अपडेट्स एंट्रीज इन हिज और हर ब्लॉग एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंटिन्यू अपने ब्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ लिखता रहता है कुछ अपडेट करता रहता है ठीक है टाइम टू टाइम वो उसका उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर जैसे होता है ना किसी व्यक्ति को आदत होती है या किसी स्टूडेंट को आदत होती है कि वो कंटिन्यू गेम खेलता रहता है गेम खेलने के बाद में वो अपने स्टेटस को बढ़ाता रहता है स्टेटस को बढ़ाने के साथ में अपना जैसा जैसे स्कोर बढ़ता जाता है वो उस स्टेटस को अपडेट करता रहता है मैंने इतने व्यक्ति को हराया मेरा स्टेट मैं इस स्टेज पर पहुंच चुका हूं ठीक है मैंने इतना लेवल पार कर दिया तो आ, उसको हम बोलते हैं क्या एक तरीके से प्लेयर बोलते हैं है ना गेम प्ले कर रहा है तो प्लेयर ऐसे ही जो ब्लॉग यूज़ कर रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर न्यूज़ ग्रुप न्यूज़ ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स वेयर ग्रुप्स ऑफ यूजर्स विथ कॉमन इंटरेस्ट गेदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट न्यूज़ ग्रुप एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पर एक किसी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर कुछ कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग गेदर होते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ठीक है आपने नॉर्मल वे में देखा होगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है ठीक है यदि उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पोस्ट की गई हो जो सभी के इंटरेस्ट के लिए बनी हुई है ठीक है यदि एक पर्सन ने उसको अपडेट किया उस इन्फॉर्मेशन को पोस्ट किया तो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देगा ओके okay. यदि थर्ड पर्सन को भी उससे रिलेटेड कोई पोस्ट करना है तो वो भी उसका रिएक्शन देगा फोर्थ पर्सन भी रिएक्शन देगा अगर उस ग्रुप में जुड़े हुए सभी मेंबर्स का उसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट है तो वो कुछ ना कुछ सभी अपना अपना रिएक्शन देंगे तो वो हो चुका है एक डिस्कशन का फॉर्म इसीलिए उसको बोलते इंटरनेट इंटरनेट डिस्कशन फोरम नेक्स्ट ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल रिफर्स टू मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस फ्रॉम वन कंप्यूटर यूज़र टू वन और मोर रिशिपेंट्स अ नेटवर्क मोस्ट वे इंटरनेट ईमेल मैसेज भेजने का एक ऐसा जरिया हम बोल सकते हैं जो कि एक यूज़र के कंप्यूटर से एक से अधिक रिसपेंट्स को मैसेज सेंड कर सकता है और वो किसके थ्रू मैसेज सेंड करता है ऑन वी एंड ऑन वी इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ओके okay. अगर आपको ईमेल अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी आप सभी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आपने या तो यूट्यूब के लिए अपना जी अकाउंट बनाया होगा या फिर गूगल मीट के लिए आपने जी अकाउंट बनाया होगा या फिर किसी और पर्पस के लिए आपने जीमेल या ईमेल अकाउंट बनाया होगा ओके okay? तो उस जीमेल या ईमेल अकाउंट का यूज़ हम मैसेज सेंड करने के लिए कर सकते हैं ठीक है वो मैसेज हम एक पर्सन को भी भेज सकते हैं और एक से ज़्यादा पर्सन को भी भेज सकते हैं तो जिन पर्सन को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो होते हैं हमारे रिसीप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इसीलिए इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल क्लियर ई मेल एड्रेस एवरी ईमेल मेल हैज़ अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विथ अ यूनिक एड्रेस ऑन अ नेटवर्क जितने भी ईमेल होते हैं ठीक है यूनिक उन सभी का एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स की हम बातें करें तो एक ऐसा बॉक्स जहाँ पर कुछ पोस्ट आती है ठीक है और वहाँ पर उन पोस्ट को सेव किया जाता है अब आपने शायद पोस्ट ऑफिस देखा नहीं होगा कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो तो वहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है अगर किसी व्यक्ति को कोई मैसेज एक प्रेस से दूसरे प्रेस पर ट्रांसफर करना है तो पहले के व्यक्ति एक कार्ड लिखते थे उस कार्ड को पोस्ट ऑफिस कि एक बॉक्स में डाला जाता था वहाँ से एक पर्सन जिसको हम डाकिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में वहाँ से उन पोस्ट को निकालता है जिस रिसिपेंट्स को जहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ तक उसे पहुँचाने का काम करता है ठीक है तो इतने टाइम वो स्टोर करके रखते हैं उस कार्ड को ठीक है इसीलिए उसको हम बोल देते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स इसीलिए जब हमारा ईमेल मेल जहाँ पर सेव होता है वो होता है हमारा ईमेल एड्रेस वेयर ईमेल कैन बी सेंड दिस यूनिक एड्रेस इज नोन एज ईमेल एड्रेस क्लियर इच ईमेल एड्रेस हैज थ्री सेक्शंस लेट्स टू गो गेट द एग्जांपल बिलो यहाँ पर आप एक थोड़ा सा चेंजेस कर लेना एवरी ईमेल हैज़ अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विथ अ यूनिक एड्रेस ऑन अ नेटवर्क यहाँ पर कोमा लगाना मैंने गलती से फुल स्टॉप लगा दिया है वेयर ई मेल कैन बी सेंड दिस यूनिक सेंट के बाद में कोमा दिस यूनिक एड्रेस इज नॉन एज ई मेल एड्रेस फुल स्टॉप ओके इच ई मेल एड्रेस हैज थ्री सेक्शन फुल स्टॉप लेट्स टू गेट द एग्जाम्पल बिलो ओके अब यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट वन टू थ्री एट द रेट जी मेल डॉट ने जी मेल डॉट कॉम ठीक है स्टूडेंट वन टू थ्री क्या है ये यूज़र नेम है जिसके नाम से हमने ई मेल एड्रेस को बनाया है जी मेल डॉट कॉम क्या है ये डोमेन नेम है ठीक है जिसके अंदर हमने ई मेल एड्रेस बनाया हुआ है जैसे हमने हमारा नॉर्मली सभी का ईमेल जो है वो जी पर बना होता है इसलिए उसका डोमेन नेम क्या है जी जिसका रेडिफ मेल पर बना होता है, उसका नेम, है बना होता, उसका नेम आता है एड मेल डॉट कॉम ओके जिसका याहू पे बना होता है उसका डोमेन नेम आता है एट द रेट याहू डॉट कॉम और बीच में एक एट द रेट का साइन है ये है एक सेपरेटर जो यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों को सेपरेट करने का काम करता है ठीक है ये है आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ ईमेल एड्रेस का मेरा ही नाम ले लीजिए अरुण पारिवल जीरो थ्री एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम तो अरुण पारिवल जीरो थ्री हो गया आपका यूजर नेम एट द रेट हो गया सेपरेटर और जी मेल डॉट कॉम हो गया डोमेन नेम क्लियर सो so, अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका है तो आप इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स या जितने भी मैंने इंटरनेट टर्म्स बताई है इन सभी को आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे और होमवर्क सबमिशन टाइम पर